गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारी बात चल रही थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, इसके मुख्य अभिग्रित हमने पढ़े थे, उसके बाद में LACO मेथड हमने इसमें पढ़ा था। आज हम बात करते हैं हाइड्रोजन अणु आयन के लिए LCOMO मेथड क्या होता है। देखो, हाइड्रोजन अणु आयन, हाइड्रोजन अणु और हाइड्रोजन अणु आयन दोनों में डिफरेंसेस होता है। हाइड्रोजन अणु हो गया अपना H2 और हाइड्रोजन अणु आयन हो गया हमारा H2 पॉजिटिव या H2 नेगेटिव। अब हम बात कर रहे हैं H2 पॉजिटिव आयन की बात कर रहे हैं, तो अगर इसकी हम बात करते हैं, इसमें दो प्रोटॉन होते हैं और दो ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जब हम आयन की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोटॉन तो दो होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, केवल एक होगी। तो जब हम हाइड्रोजन अणु आयन की बात करते हैं, H2+ की बात करते हैं, तो हमें सिंपल सी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोजन अणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या अलग होगी, हाइड्रोजन अणु आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या अलग होगी, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के आधार पर ही इसका LACO मेथड डिस्क्राइब किया गया है। देखिए, दो परमाणुवी कक्षक आपस में संयोग करते हैं, और रेखीय संयोग मैं बोल रही हूँ, रेखीय संयोग मतलब लीनियर आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जब दो परमाणुवी कक्षक रेखीय संयोग करते हैं तो दो आणविक कक्षक बनते हैं, MO थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन अणु आयन है उसकी बात कर रहे हैं। ये एक हाइड्रोजन अणु का एक न्यूक्लियस HA है, ये दूसरा न्यूक्लियस है HB है, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन है एक, आपका जो ऊपर की तरह मैंने ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे RA डिस्टेंस है, यहाँ पे RB डिस्टेंस है, और यहाँ पे R ये भी डिस्टेंस है। HA मॉलिक्यूल या अणु न्यूक्लियस जो है और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस RA है, HB मॉलिक्यूल या न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस RB है, और दोनों प्रोटॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो किससे डिनोटेड की गई है, कैपिटल R से डिनोटेड की गई है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि HA से जो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो वो तो हो गई हमारी RA, और इसी RA को हम क्या कह सकते हैं, जो हमने डिस्टेंस मेजर की उसी को हम क्या कह सकते हैं, साइन ए। अब दूसरी बात करें, जो हमारा HB प्रोटॉन है उससे इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है उसको हम डिस्टेंस को हमने मेजर किया है RB से, स्मॉल RB से, और इसके लिए हम वेव फंक्शन यूज करेंगे साइन बी। हमने दो वेव फंक्शन यूज किया है, पहले प्रोटॉन के लिए साइन ए और दूसरे प्रोटॉन के लिए हमने क्या किया है, साइन बी। इलेक्ट्रॉन वो और HA प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और HA प्रोटॉन के लिए वेव फंक्शन हमने यूज किया है साइन ए, इलेक्ट्रॉन और HB प्रोटॉन के लिए हमने वेव फंक्शन यूज किया है साइन बी। अब इन दोनों का जब हमने वेव फंक्शन यूज किया है तो मॉलिक्यूल के लिए जो वेव फंक्शन होता है उनका कॉम्बिनेशन होता है, ना कि एक प्रोटॉन का होता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो हमारे लिए मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन जब हम लिखेंगे तो हमारे पास में आएगा C1 साइन ए प्लस C2 साइन बी। अब देखिए, MO यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम लिया गया है, साइन यहाँ पे वेव फंक्शन है, यहाँ पे C1 और C2 मिश्रित गुणांक है या जिनको कॉफिशेंट बोला जाता है वो है, जिनकी जिनका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होता है। अब इस चीज़ को ओवरऑल ये डिस्क्रिप्शन होने के बाद में हमने क्वांटम मैकेनिज्म में एक श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी थी। श्रोडिंगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे पास में हैमिल्टोनियन संकारक जो होता है उसका तरंग फलन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का तरंग फलन एनर्जी के और वेव फंक्शन के तरंग फलन के क्या बराबर होता है। यानी कि इस आपने उसमें क्वांटम मैकेनिज्म पढ़ा होगा H sin = E sin, ठीक है। यहाँ पे MO मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए लगाया है, तो हमने श्रोडिंगर जो समीकरण वो पढ़ा था उसमें क्या होता है, H sin MO = E sin MO। नॉर्मली किताबों में H लिखा होता है लेकिन हैमिल्टोनियन संकारक हम यूज करते हैं तो वहाँ पे H के ऊपर क्या आता है, कैप आता है। H को बोला जाता है हैमिल्टोनियन संकारक, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इसको बोला जाता है। तो अब ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो हमारे पास में है, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है जो क्वांटम मैकेनिज्म में हमने पढ़ रखी है। वहाँ पे हमने जो हैमिल्टोनियन संकारक है उसका फॉर्मूला पढ़ा था H cap is equal to क्या होता है, -H² / 8πm, अपने पास में पाई स्क्वायर एम जो हमारे पास वैल्यू आती है, और डेल ऑपरेटर जो होता है उसका स्क्वायर हमारे पास में आता है, माइनस वहाँ पे पढ़ा था, सॉरी वहाँ प्लस वहाँ पे हमने पढ़ा था V। अब
देखो V, वहां पे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था V, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की। तो जब हम एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वहां पे वैल्यू नेगेटिव आएगी। दूसरे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वहां पे भी डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। लेकिन जब दोनों प्रोटॉन के बीच की वैल्यू की बात करेंगे तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, आर ए, आर बी और कैपिटल आर, ये तीनों ही क्या होते हैं, डिस्टेंस होते हैं। एच ए प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस आर ए हो गई, एच बी प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस आर बी हो गई, और एच ए प्रोटोन और एच बी प्रोटोन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे हो गई, कैपिटल आर हो गई। तो हम इसके लिए हैमिल्टोनियन संकारक पुट करते हैं। हैमिल्टोनियन संकारक इसके लिए जब हम लिखेंगे तो हमारा एच कैप की जो वैल्यू होगी वो एच कैप इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डॉट ऑपरेटर डेल स्क्वायर। अब यहाँ पे V की वैल्यूज लिखनी है तो या तो हम V की वैल्यूज ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीन है, दो प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन, तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, इन दोनों का टोटल हमारे पास में क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। मान लो हमारे पास V1 का जो मान है वो है माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर ए, V2 का मान हमारे पास में है माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर बी, और V3 का मान है हमारे पास में ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यूज हमारे पास में आ गई। तीनों वैल्यूज के आने के बाद में हमारे पास में हैमिल्टोनियन संकारक के लिए हमारे पास क्या बच जाएगा, हैमिल्टोनियन संकारक के पास हमारे बचेगा, इन तीनों का टोटल मिला के हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर ए माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर बी प्लस ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास में क्या आ गया, हैमिल्टोनियन संकारक। और इसी हैमिल्टोनियन संकारक के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन अणु जो आयन होता है उसमें हमारे पास में दो प्रोटॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, उन्हीं के आधार पर हमारी सारी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो चलती रहती है। अब जो हमारे पास में रिजल्ट आया हैमिल्टोनियन संकारक, जो हमारे पास में रिजल्ट आया है और उसी रिजल्ट के आधार पर हमने सारी इक्वेशन फॉलो की है, पूरा आपके अणु हाइड्रोजन अणु आयन का जो LSCO मेथड है, LSCO मेथड के अकॉर्डिंग हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को इसमें एक्सप्लेन किया है। मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन करने के बाद में हमने जो इसमें चीजें डिस्क्राइब की है वो क्या है, हैमिल्टोनियन संकारक। हैमिल्टोनियन संकारक जब हमने डिस्क्राइब किया तो हमारे पास में देखो बहुत सारी चीजें आई हैं। पहले हमने वेव फंक्शन डिस्क्राइब किया है, वेव फंक्शन डिस्क्राइब करने के बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हमने वेव फंक्शन डिस्क्राइब किया है, C1 साई A प्लस C2 साई B हमारे पास में आया है। फिर हमने श्रोडिंगर इक्वेशन, ये जो वाली है वो क्या कहलाती है आपकी, श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। अब देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है कि हमारे पास में जो श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या है, हैमिल्टोनियन संकारक प्लस साई एमओ, और हमारे पास में एनर्जी और इस साई एमओ मतलब वेव आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन हमारे पास में आता है। तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, एक हैमिल्टोनियन संकारक मिलता है और एक हमारी एनर्जी मिलती है। तो इस जो हमारा हाइड्रोजन अणु आयन है उसके थ्रू तो हमारे पास में आया हैमिल्टोनियन संकारक की वैल्यूज कितनी आती हैं, किसके लिए, हाइड्रोजन अणु आयन के लिए। तो ये तो था हमारे हाइड्रोजन अणु आयन का LSCO मेथड आपका MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशंस की, एनर्जी की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, कैसे हमारी इसकी पूरी डेरिवेशन स्टार्ट होती है, तो देखते हैं हम इसकी कैलकुलेशन का। तो हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, तरंग फलनों के द्वारा आणविक कक्षकों की ऊर्जा की गणना करना। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम वेव फंक्शन। तरंग फलनों के द्वारा आणविक कक्षकों की ऊर्जा की गणना करना। देखिए हमारे पास में अभी जस्ट पहले हमने जो एक इक्वेशन ली थी उस इक्वेशन में हमारे पास में जो आयन आया था, हाइड्रोजन अणु आयन आया था, उसके लिए साई जो तरंग फल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो तरंग फलन था उसकी वैल्यू आई थी हमारे पास में C1 साई A प्लस
सी टू साइन बी, इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर वन। ये हमारे पास पीछे आ गई थी। फिर हमने श्रोन्डिगर इक्वेशन देखी थी। श्रोन्डिगर इक्वेशन का मतलब क्या था? यहाँ एच हैमिल्टोनियन संकारक जो था वो साइन एम ओ बराबर कैपिटल ई साइन एम ओ, ये हो गया श्रोन्डिगर इक्वेशन। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर टू। अब बात करते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए, मैंने आपको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का मतलब बताया था। वहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बताई थी, एक हम साइन से डिनोटेड करते हैं अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो, और अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो उसको हम साइन स्टार से डिनोटेड कर सकते हैं। तो हमारे पास में दो चीज़ें हो सकती है, यहाँ पे साई एम ओ या साई स्टार साई एम ओ भी कर सकते हैं। तो हमारे पास में अगर हम एनर्जी का फॉर्मूला लेते हैं, तो एनर्जी का फॉर्मूला लेने के लिए हमारे पास में जो वेव फंक्शन आते हैं वो साई एम ओ एच हैमिल्टोनियन संकारक हमारे पास में है, क्योंकि हम जब बात करते हैं इसकी तो हमारे पास में एक तो ई का साई एम ओ आता है, एक यानी कि अगर हम इसके नीचे लेके जाएंगे तो ये बॉन्डिंग का हो गया, और ऊपर वाला नीचे वाला किसका हो गया? एंटी बॉन्डिंग का हो गया। तो हमारे पास में दो साई एम ओ हो गए, तो साई एम ओ एच हैमिल्टोनियन संकारक आ गया अपना, फिर साई एम ओ और डी लैम्डा अपॉन हमारे पास में जो वैल्यूज आएंगी वो हो जाएगी साई एम ओ साई एम ओ डी लैम्डा। ये हमारे पास में बात हो गई, ये हो गए हमारा इक्वेशन नंबर तीन। अब हमारे पास में यहाँ एक वैल्यू आ रही है साई एम ओ, साई एम ओ की हमारे पास में वैल्यूज़ है। तो साई एम ओ की वैल्यूज हमारे पास में है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर वन से साई एम ओ का मान इक्वेशन नंबर तीन में रखते हैं। इक्वेशन नंबर तीन में जब हम इसकी वैल्यूज रखते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कैपिटल ई इज इक्वल टू, अब साई एम ओ का मान क्या है, सी वन साई ए प्लस सी टू साई बी, फिर अपने पास में क्या है हैमिल्टोनियन संकारक, फिर क्या जाएगा सी वन साई ए प्लस सी टू साई बी डी लैम्डा, जो हमारे पास में समाकलन का निशान है। ठीक है, इनका समाकलन हमें करना है। अब हमारे पास में नेक्स्ट वैल्यू आती है C1 वन साई ए प्लस सी टू साई बी, ये पहले साई एम ओ की वैल्यू C1 वन साई ए प्लस सी टू साई बी, ये आपके दूसरे साई एम ओ की वैल्यूज़ आ गए आपके पास में। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में कुछ वैल्यूज़ आती हैं। जब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर तीन के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट किए, तो इस समीकरण कोई वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C1 वन साई ए प्लस सी वन साई ए प्लस सी टू साई बी एच कैप C1 वन साई ए प्लस सी टू साई बी डी लैम्डा अपॉन, ये दोनों एक से इनका स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा C1 वन साई ए प्लस सी टू साई बी का होल स्क्वायर डी लैम्डा, और ये होगी इक्वेशन नंबर हमारी फोर। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, केवल साई एम ओ की वैल्यूज पुट की है। यहाँ पे हमने साई एम ओ की जगह साई एम ओ का मान रखा, इधर भी साई एम ओ का मान रखा और नीचे भी हमने साई एम ओ का मान रखा है। जब दोनों मान एग्जिस्ट हैं सी वन साई ए प्लस सी टू साई बी और इधर इस वाले ब्रैकेट में भी सी वन साई ए प्लस सी टू साई बी दोनों हैं, तो जब दोनों हैं तो दोनों को हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब देखते हैं आगे की बात, जब हम इनका स्क्वायर करते हैं तो इनके स्क्वायर होने के बाद में हमारे पास में कुछ वैल्यूज़ आती हैं। वैल्यूज़ कैसे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब इसको ब्रैकेट को हम खोलते हैं तो हमारे पास में आता है a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कंडीशन भी सेम वैसी की है, इसको हम क्या मान लेते हैं a और इसको क्या मान लेते हैं b, तो ये हो गया a स्क्वायर और b स्क्वायर का जो हमारे a प्लस बी का इस होल स्क्वायर है, उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं ये बात करते हैं हम आगे। देखिए हमारे पास में यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को हम लिखते हैं। देखो समीकरण चार जो हमारे पास में आया है अगर हम उसको फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में कौन कौन सी कैलकुलेशंस वगैरह आती है। देखिए हमारे पास में सबसे पहले है ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट। देखो हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स का सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, जो आपके पास में पहली वैल्यू है इससे सी वन साई ए को हम क्या करते हैं
इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इससे करेंगे और फिर इससे करेंगे, फिर सी टू साई बी को पहले सी वन साई ए से और फिर सी टू साई बी से करेंगे, तो हमारे पास में कौन सी वैल्यू जाएंगी, देखो सी वन साई ए आ गया हमारे पास में, बीच में क्या है एच के हैमिल्टन संकारक है, इससे मल्टीप्लाई दोनों के अंदर आता है और इससे किया तो हमारे पास में क्या गया सी वन साई ए, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया है। फिर हम इसी को हम करते हैं दूसरे पार्ट से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा सी वन साई ए एच केप सी टू साइन बी आ गए हमारे पास में, फिर पॉजिटिव प्लस सी टू साइन बी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एच केप सी वन साइन ए प्लस सी टू साइन बी एच केप सी टू साइन बी, ये हमारी बात होगी इतनी। अब नीचे वही चीज़ है हमारी डी लैम्डा यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारे पास में जो फॉर्मूला बचा हुआ था इस फॉर्मूले को हम सॉल्व करते हैं, तो ये जो फॉर्मूला हमने सॉल्व किया सी वन साई ए वाले, तो उसका क्या हो जाएगा सी वन स्क्वायर साई ए स्क्वायर प्लस टू सी वन सी टू साई ए साई बी प्लस सी टू स्क्वायर सी टू स्क्वायर साई बी स्क्वायर डी लैम्डा, ये हमारे पास में होगी इक्वेशन नंबर नेक्स्ट जो हमारे पास में इक्वेशन आई है, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया है और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ रहा है सी वन स्क्वायर साई ए स्क्वायर प्लस टू सी वन सी टू साई ए साई बी प्लस सी टू स्क्वायर साई बी स्क्वायर प्लस हमारे पास सी टू स्क्वायर साई बी स्क्वायर, और ये सारा ब्रैकेट का मामला है और यहाँ पे क्या है डी लैम्डा हमारे पास में अवेलेबल है, और ये सारा हमारे पास में क्या है ब्रैकेट है जो हमने सॉल्व किया है, यानी कि दोनों ब्रैकेट्स को हमने खोल के इसमें सॉल्व किया है। अगर हम समीकरण जो हमारे पास में इक्वेशन नंबर चार के बाद में क्या आ गई समीकरण नंबर पाँच, समीकरण नंबर पाँच जो है पाँच को दोबारा या रीएडजस्ट करने का मतलब क्या है हमारे पास में, देखो यहाँ पे भी C1 है और यहाँ पे भी C1 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं C1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे कैपिटल E बराबर C1 स्क्वायर क्या बचा साई ए एच कैप साई ए, फिर प्लस यहाँ पे देखो C1 और C2 है ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है C1 और C2, इन दोनों को हम एक साथ लिख रहे हैं, इन दोनों को एक साथ लिख रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम टू सी वन भी दो हो गए और सी टू भी क्या हो गए दो हो गए, तो टू सी वन सी टू हो गया, फिर क्या क्या बचा साई ए यहाँ पे साई ए ये रहा और एक साई ए ये रहा, साई बी यहाँ पे भी साई बी ये रहा और यहाँ पे भी साई बी ये रहा, तो क्या बच गया हमारे पास में सी वन सी टू हैमिल्टनियन संकारक साई ए साई बी हो गया, प्लस क्या बच जाएगा यहाँ पे C2 स्क्वायर साई साई B हैमिल्टनियन संकारक साई B, अब ये D लैम्डा ठीक है, यहाँ तक की हमारी बात हो गई। अब इस ब्रैकेट की ये तो ऊपर वाले की बात होगी, नीचे वाला सेम टू सेम एज इट इज वैसे का वैसा रहेगा, यानी कि हम क्या ले सकते हैं C1 स्क्वायर साई A स्क्वायर प्लस टू C1 C2 साई A साई B प्लस C2 स्क्वायर साई B स्क्वायर और इंटीग्रेशन के लिए D लैम्डा आपके पास में ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर आपके पास में, जो हमने इसको रीएडजस्ट किया है इक्वेशन नंबर आपकी जो पांच बनी हुई थी आपके पास में, इस पांच इक्वेशन को जो हमने रीएडजस्ट किया तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर क्या आ गई छः। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ रखी हैं, यहाँ पे है साई ए एच कैप साई ए ठीक है, इसको क्या लिखा है हमने साई ए एच ए ए, इसको नाम क्या दे दिया हमने क्योंकि दोनों में ए है, साई यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी है, तो इसको हमने नाम दिया एच ए, तो क्या हो जाएगा साई ए आपका हैमिल्टनियन और साई ए और इसके साथ में आपका इंटीग्रेशन, तो ये जो चीज़ हमारे पास में आ रही है उसको हमने नाम दिया एच ए ए, ऐसे हमने एच बी बी को नाम क्या दिया, एच बी बी किसकी वैल्यू लिखी है साई बी हैमिल्टनियन साई बी डी लैम्डा की, ये जो वैल्यूज आ रही है इसको हमने क्या कर दिया आपकी एच बी बी कर दिया। फिर हम बात करते हैं
एच ए बी की या एच बी ए की, दोनों की वैल्यू सेम है। देखो एच ए बी, यहाँ पे देखो ए और बी आ रहा है, यहाँ पे बी और ए आ रहा है, तो वैल्यू दोनों की सेम है, हम तो दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, साइन क्या आ रहा है हमारे पास में, साइन ए एच कैप साइन बी डी लैम्डा, या इसी के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं साइन बी एच कैप साइन ए डी लैम्डा। ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास में, एच ए बी या एच बी ए की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इन दोनों की, एच ए ए और एच बी बी, इसको तो बोला जाता है कूलॉम समाकलन। क्या बोला जाएगा, कूलॉम समाकलन। ठीक है, एच ए बी जो हमारे पास में आया है या एच बी ए जो हमारे पास में आया है, इसको बोला जाता है अनुनाद समाकलन। क्या बोला जाएगा, अनुनाद समाकलन। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए इतनी बात हमारी हो गई, अब देखो जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास में क्या आ रहा है, एक आती है एस ए ए, जिसको हम बोल सकते हैं, नीचे भी तो है ना हमारे पास में, साइन ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, साइन ए साइन बी का इंटीग्रेशन है और साइन बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, तो इनको भी हम अलग तरीके से लिख सकते हैं। साइन ए ए किसके लिए डिनोटेड कर सकते हैं, साइन ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। साइन बी बी किसके लिए कर सकते हैं, साइन बी स्क्वायर डी लैम्डा, इसका इंटीग्रेशन इसको डिनोटेड कर सकते हैं। तीसरा आता है हमारे साथ साइन एस ए बी बराबर एस बी ए बराबर, क्या लिख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास में, साइन ए साइन बी डी लैम्डा। ये जो तीनों आपके पास में है, साइन एस ए ए एस बी बी और एस ए ए, इन तीनों को बोला जाता है अतिव्यापन अतिव्यापन समाकलन। क्या बोला जाएगा इसको, अतिव्यापन समाकलन। अब देखिए मैंने ये सारी जो वैल्यूज लिखी हैं, इन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 6 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 6 में मान रखने पर देखिए, अब जब हम इक्वेशन नंबर 6 में मान रखते हैं तो हमारे पास में आ गया कैपिटल ई। अब C1 स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा, C1 स्क्वायर, इस सारे की जगह हमने लिखा है एच ए ए, एच ए ए प्लस 2C1 C2, और इसकी जगह हमने क्या लिखा है, एच ए बी है तो इसके लिए हमने क्या लिखा है, एच ए बी प्लस C2 स्क्वायर, और इसकी जगह हमें क्या लिखना है, एच बी बी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का निशान हट गया था, बाकी नीचे हमें क्या लिखना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करनी है तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे C1 स्क्वायर एस ए ए प्लस 2C1 C2 एस ए बी प्लस C2 स्क्वायर एस बी बी, C2 स्क्वायर एस बी बी। तो ये हमने क्या किए हैं, जो मान हमने यहाँ पे लिए थे कौन कौन से, कूलॉम समाकलन के, अनुनाद समाकलन के और हमने अतिव्यापन समाकलन के जो भी मान यहाँ में हमने यहाँ पे लिए थे, उनका इंटीग्रेशन के साथ में हमने ये काम किया था। C1 और C2 तो क्या है, हमारे कॉफिशियंट्स हैं, इनके लिए इनके हमने वैल्यूज पुट किए, तो ये जो हमारे पास में समीकरण बनेगा वो बनता है इक्वेशन नंबर 7। इस इक्वेशन नंबर 7 तक की बात हमने क्या की है, पहले हमने क्या किया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का तरंग समीकरण लिया है, फिर श्रोडिंगर इक्वेशन ली है, श्रोडिंगर इक्वेशन के बाद में हमने एनर्जी की इक्वेशन ली है, एनर्जी की इक्वेशन लेने के बाद में हमने जो इक्वेशंस ली हैं उसके अंदर हमने एनर्जी इक्वेशन के अंदर साई एम ओ की वैल्यूज पुट की है, साई एम ओ की वैल्यूज पुट करने के बाद में हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमारा एक फॉर्मूला होता है उसको सॉल्व किया है, उसको सॉल्व करने के बाद में हमने फॉर्मूले को रीएडजस्ट किया है, और फिर ये कूलॉम समाकलन, अनुनाद समाकलन और अतिव्यापन समाकलन के नाम से हमने ये वैल्यूज जो थी उनको एक छोटा छोटा नाम दिया है। जो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं उन बड़ी बड़ी वैल्यूज को हमने एक छोटा छोटा नाम दिया है, जैसे साइन ए हेल्मिंटोलियन साइन ए डी लैम्डा के समाकलन को हमने एच एच ए नाम दे दिया, एच ए ए स्मॉल ए नाम दे दिया, और फिर जब हमने इन सारी वैल्यूज जो हमने ली थी उसको हमने एक फॉर्मूले में पुट किया, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला बना है वो आपके सामने है इक्वेशन नंबर 7 में। इससे इक्वेशन नंबर 7 के बाद में हम जब हम इसके बारे में समाकलन की और सारी चीजें करते हैं, बहुत सारी इक्वेशंस और बनती हैं, कम से कम 8-10 इक्वेशन और बनेंगी। तो इस टॉपिक के लिए तरंग फलनों द्वारा आणविक कक्षकों की ऊर्जा की गणना, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम द वेव फंक्शंस, इसकी बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, यानी कि कल हम इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ लगातार। थैंक यू।